अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील क्या मामला है कि आज मैं आपको गमजदा देख रहा हूं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नजारा करके आया हूं। इसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील मुझे भी जहन्नुम के हालात बताओ। जिब्रील ने अर्ज की, जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं और उनमें से जब सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह उनमें मुनाफिकों को रखेगा। उससे ऊपर वाले 6 दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। उससे ऊपर 5 दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को, इबादत करने वालों को डालेंगे। 4 दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे और 3 दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। 2 दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। यह कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हो गए और आपने अल्लाह के हजूर दुआएं करना शुरू कर दी। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ ले जाते और दरवाजा बंद करके अल्लाह के हजूर रो रो कर दुआएं फरमाते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कैफियत कैसे तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ लेकर नहीं जा रहे। जब 3 दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रहा नहीं गया। वो दरवाजे पर आए और दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब नहीं पाया, लिहाजा आप जाएं, हो सकता है आपको सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 मरतबा सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना आया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सलमान फारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब नहीं आया। हजरत सलमान फारसी ने वाकये का तस्करा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब नहीं मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरे नजर बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाजे पर आई, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, बेटी की आवाज सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाजा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, ये आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहां पर तशरीफ फरमा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाया जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूं कि अल्लाह उनको माफ कर दे और जहन्नुम से बरी कर दे। और यह कहकर फिर आप सजदे में चले गए, रोना शुरू कर दिया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नुम से आजाद कर। कितने में हुक्म आ गया, वाला सौफा युअती का रब्बो का फतारदा, ए मेरे महबूब गम न कर, मैं तुमको इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया कि लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि रोजे कयामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेगा और मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। बोलते हुए आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं बंदे, क्योंकि जब बंदा सोचता है कि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना शफीक और गम महसूस करने वाला है और बदले में हमने उनको क्या दिया। आपका 1 सेकेंड इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का सोर्स है। मेरी आपसे आजिजाना अपील है कि ला हासिल और बेमकसद पोस्टें हम शेयर करते रहते हैं, लेकिन आज अपने नबी की रहमत का यह पहलू कहीं हमसे मिस ना हो जाए। 1 शेयर करके अपना हिस्सा जरूर डालिएगा, क्या पता कौन गुनाहगार पढ़कर राह रास्त पे आ जाए और दूसरों को थोड़ी सी हदायत मिल जाए। कहने का मकसद यह है कि एक नबी हमारे लिए इतना गमखार है और हम यहां बैठ के उसकी उम्मत के ऊपर इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं, हमारे फलस्तीनी भाइयों पे इतना जुल्म किया जा रहा है, लेकिन हम टस से मस नहीं हो जा रहे। आज हमारे पास अगर तलवारें होती तो हम तो बिल्कुल सोचना ही खत्म कर देते, लेकिन आज हमारे पास मिसाइल है, आज हमारे पास एटम बम है, लेकिन फिर भी हम बेहिस बने हुए। अल्लाह ताला हमें हदायत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।